डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिमेंस को स्टडी करना। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है वो एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी बॉडी पर, जैसा कि इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग है कि इनकी जो स्किन होती है उस पर जो है स्पाइंस पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले स्पेसिमेन की, जिसको हम स्टार फिश के नाम से जानते हैं। अगर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन में देखिए, ये फाइलम जो है इसका इकाइनोडर्मेटा है, क्लास इसकी एस्टेरॉइडिया है, ऑर्डर इसका फोर्सिपोलेटा है, जीनस इसकी एस्टेरियास है। स्टारफिश को हम दो सरफेस से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जो लेफ्ट साइड पर जो फिगर बना हुआ है दिस इज एबोरल सरफेस, और जो राइट साइड पर जो फिगर बना हुआ है स्टारफिश का वो ओरल सरफेस है। ओरल सरफेस पर हम देख सकते हैं कि माउथ है और एम्बुलेक्रल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जबकि एबोरल सरफेस पर देखिए यहाँ पर हम मेड्रीपोराइट को देख सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की हम बात करेंगे। यह एक समुद्रीय मांसाहारी जीव है जिसे हम सामान्यतः स्टारफिश या सितारा मछली के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉट ए ट्रू फिश बिकॉज, क्योंकि यह एक जो है इनवर्टिब्रेट है, इसीलिए इसको हम ट्रू फिश नहीं कह सकते हैं। इसका शरीर जो है वो पेंटामिरस होता है, अर्थात इसमें जो है पांच भुजाएं होती हैं। शरीर के बीच में एक सेंट्रल डिस्क होती है, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा था। शरीर में दो सतह पाई जाती हैं, नीचे की ओर ओरल सरफेस तथा ऊपर की ओर एबोरल सरफेस होती है। ओरल सरफेस पर मुख तथा एबोरल सरफेस पर गुदा तथा मेड्रीपोराइट पाए जाते हैं। लोकोमोशन इसमें जो है ट्यूब फीट या नाल पाथ के द्वारा होता है। पैडी सिलेरिया जो है उपस्थित होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कि इकाइनोडर्मेट्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसमें प्रेजेंट होता है। एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। परिवर्धन की अवस्था में बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। ये इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर से आप इसको अपने जो है ड्राइंग जो लाइन वाली सीट है उस पर आप इनको लिख सकते हैं। अब देखिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा के हम सेकेंड स्पेसीमैन, जिसको हम सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लास होलोथुरोइडिया, ऑर्डर डेंड्रोकेरोटी, जीनस होलोथुरिया। इसको हम समुद्री खीरे के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे की ओर देखिए बहुत सारे ये टेंटिकल्स होते हैं और पीछे जो है एनस से जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी ओपन होती है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की हम बात करें। इसे सामान्यतः सी कुकुम्बर के नाम से जाना जाता है। दिस इज ए मैराइन एनिमल। जनरली सभी जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो सभी मैराइन एनिमल्स होते हैं। इसका शरीर जो है लंबा एवं बेलनाकार होता है। ओरल सतह पर मुख एवं एबोरल सतह पर जो है गुदा या एनस पाया जाता है। मुख चारों ओर से जो है 10 स्पर्शकों या टेंटाकल्स के द्वारा घिरा रहता है। ये जो मुख है, यहाँ पर जो मुख है वो जो है ये 10 टेंटाकल्स के द्वारा जो है यहाँ पर ये कवर्ड रहता है। शरीर पर इसके जो है स्पाइंस पाए जाते हैं। श्वसन वृक्ष या इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री के नाम से जानते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट एक करेक्टर है, यहाँ पर पैडी सिलेरिया जो है वो अब्सेंट होते हैं। ये भी एक लिंगी प्राणी होते हैं, अर्थात नर और मादा जो है वो अलग अलग होते हैं। और इनके जो डेवलपमेंटल स्टेज में एक लार्वा पाया जाता है जिसको हम ऑरिकुलेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्पेसीमैन। देखिए तीसरे स्पेसीमैन की हम बात करें तो इसको हम एंटीडोन के नाम से जानते हैं। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लास इसकी क्रिनोइडिया है और ऑर्डर इसका आर्टिकुलेटा है, जीनस इसकी एंटीडोन है। इम्पोर्टेंट करेक्टर्स में अगर हम देखें तो यह एक समुद्री प्राणी है जिसे हम सामान्यतः सी लिली या फेदर स्टार के नाम से जानते हैं। यह चट्टानों से जो है चिपका हुआ रहता है। ओरल सतह पर मुख पाया जाता है एवं एबोरल सतह पर जो है एनस प्रेजेंट होता है।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसमें हाईली डेवलप्ड होता है, लेकिन मेड्रीपोराइट जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में अब्सेंट होती हैं। इसमें 10 बहुत लंबी भुजाएं होती हैं और प्रत्येक भुजा पर जो है पिन्यूल्स या जिनको हिंदी में हम पिच्छिकाएँ कहते हैं वो उपस्थित होते हैं, और नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात ये भी एक लिंगी प्राणी है। ये इकाइनस का फिगर है, इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लास इकाइनोइडिया, ऑर्डर कैमरोडोंटा, जीनस इकाइनस। इस स्पेसिमेन को सामान्यतः जो है सी अर्चिन के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर जो है वो अंडाकार होता है, ओरल एवं एबोरल सतह को छोड़कर पूरे शरीर पर जो है सूल पाए जाते हैं, अर्थात जो स्पाइंस इनके शरीर पर पाए जाते हैं लेकिन ओरल और एबोरल सरफेस पर ये नहीं होते हैं। पूरा शरीर कैल्शियम प्लेटों के बने गोलाकार चोल या जिसको हम स्पेरिकल टेस्ट कहते हैं उसमें ये बंद रहता है। पैडी सिलेरिया इसमें पाए जाते हैं और इसमें 3 जबड़े भी होते हैं। नाल पादों की 10 पंक्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। नर और जो मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अर्थात ये भी जो है एक लिंगी प्राणी है, और इसके जो डेवलपमेंटल स्टेज में एक विशेष लार्वा पाया जाता है जिसको हम इकाइनोप्लूटियस लार्वा कहते हैं। तो ये मैंने आज आपको 4 स्पेसिमेंस के बारे में बताया जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। आप इन सबको अपने फाइल में ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे हम जिस सीक्वेंस में आपको फाइलम की स्टडी करा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको ये सारे फाइलम जो है ड्रॉ करने हैं, अर्थात सबसे पहले आप प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर प्लेटीहेलमिंथेस, फिर एस्केलमिंथेस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा। अभी इसके बाद हम एक और फाइलम को जिसको हम हेमीकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं उसको भी स्टडी करेंगे, जिसमें कि बेलेनोग्लॉसस को रखा गया है। उसके बाद ये सारे आपके इन्वर्टिब्रेट्स के स्पेसिमेंस जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।